मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का फिर से आपके फेवरेट चैनल इट्स पॉसिबल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमेशा वो वीडियो बनाते हैं जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकें। आज हम लेके आए हैं ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन में वैकेंसी जो कि अपनी निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप के लिए मैंने पहले भी दो वैकेंसी शेयर की थी, जो कि एक थी इसरो की, जिसकी लिंक मैं ऊपर आपको देने वाली हूँ, आप उसको बाद में जाके देख सकते हैं, और दूसरी थी आपकी एयर इंडिया की बोइंग की। एयर इंडिया की बोइंग की और इसरो की दोनों वैकेंसी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये दोनों लिंक मैं ऊपर शेयर करने वाली हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करने वाली हूँ, आप इनको देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है उसमें बहुत ही ज्यादा 4000 के ऊपर पोस्ट वैकेंसीज है अलग अलग सेक्टर में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में। तो इस वैकेंसी को, इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप इजिली इस फॉर्म को भर सकें। ये जो वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन था 14th ऑफ मार्च को और इसकी लास्ट डेट है 28th ऑफ मार्च को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है उसमें आपको डेट बहुत कम दी जाती है, समय सीमा बहुत कम होती है, ताकि उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होता है तो जितने लोग भर पाए उन्हीं को उनको सिलेक्ट करना पड़े, उनके लिए ईजी हो जाए। दोस्तों, अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग सीटें दी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है, हर एक लोकेशन पे एक बहुत सारी सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न सेक्टर की, तो नॉर्दर्न सेक्टर में इन्होंने वर्क सेंटर दिए देहरादून, दिल्ली, जोधपुर, जिसमें आप देखेंगे कि नॉर्दर्न सेक्टर में टोटल इन्होंने वैकेंसी दी है 62। दोस्तों, टोटल 22 पद हैं, डिसिप्लिन है जिसके लिए वैकेंसी है, जो हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं मुंबई सेक्टर की, तो मुंबई में इन्होंने सेंटर दिया है, आपका पहला दिया है इन्होंने मुंबई, उसके बाद में आपका दूसरा दिया है इन्होंने दिया है गोवा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आगे इन्होंने दिया है हजीरा, और सब मिला के जो इनकी टोटल वैकेंसी हो रही है उसमें एक और है इनका उड़ान। तो आपका मुंबई सेक्टर में टोटल जो वैकेंसी हो रही है वो हो रही है 745 वैकेंसी अलग अलग सेंटर में। उसके बाद में अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं, तो वेस्टर्न सेक्टर में इनका पहला आ रहा है कैम्बे, कैम्बे के बाद में इन्होंने दूसरा जो वर्क सेंटर दिया है वो आपका दिया है वडोदरा, वडोदरा के बाद में इन्होंने जो आपको सेंटर दिया है वो इन्होंने दिया है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर के बाद में जो इन्होंने दूसरा सेंटर दिया है वो है आपका अहमदाबाद। और दोस्तों, अच्छी बात है, इन्होंने वेस्टर्न के भी सारे सेक्टर कवर किए हैं, मतलब आगे भी इन्होंने दिया है मेहसाणा। सबसे ज्यादा वैकेंसी वेस्टर्न सेक्टर में जो कि है 1588, क्योंकि यहाँ पे आपके फील्ड रिलेटेड वर्क ज्यादा है। उसके बाद में आपके ईस्टर्न सेक्टर में बात करते हैं, तो ईस्टर्न सेक्टर में आपके पास है जोरात, जोरात के बाद में आपको ईस्टर्न सेक्टर में आगे इन्होंने जो दिया है वो इन्होंने दिया है सिलचार, सिलचार के बाद में है नजीरा एंड शिवसागर, नजीरा एंड शिवसागर करके आपके ईस्टर्न सेक्टर में टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी है 769 पदों के लिए। उसके बाद में अगर हम सर्दर्न सेक्टर की बात करें, तो साउथ में आपके दिया है इन्होंने चेन्नई में, चेन्नई में आप जैसा कि देख ही रहे हैं, उसके आगे इन्होंने चेन्नई के आगे दिया है काकीनाडा, उसके बाद में इन्होंने दिया है राजामुद्री, उसके बाद में इन्होंने आगे जो यहाँ पे वापस दिया है कारईकल, और टोटल आपकी सर्दर्न में जो वैकेंसी हो रही है पद हो रहे हैं आपके 653। उसके बाद में इन्होंने सेंट्रल सेक्टर में भी लिया है, सेंट्रल सेक्टर में पहले इन्होंने दिया है आगरतला, उसके बाद में इन्होंने इसमें दिया है कोलकाता, और कोलकाता मिला के आपकी टोटल वैकेंसी हो रही है 197। दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा बम्पर वैकेंसी है, 4103 के अबव, 4100 के ऊपर इसमें वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, आपकी लास्ट डेट है 28 मार्च, तो आपको 28 मार्च 5 बजे के पहले इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है। अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो वो यहाँ पे दिया है आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 24, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 24 इयर्स होना चाहिए। उसके बाद में आपके कोटा के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने बोला 22 डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे भर्ती है, तो उन 22 डिसिप्लिन के लिए अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग जो है उसके लिए इन्होंने मांगा है बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए बीई, बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा सब लोग अप्लाई कर सकते हैं।
सेकेंड आपकी असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, जिससे मांगा है बैचलर डिग्री BE/BBA फ्रॉम गवर्नमेंट। उसके बाद में मांगा है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट में इन्होंने मांगा है ITI। उसके बाद में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें इन्होंने मांगा है ITI। उसके बाद में है आपका ड्राफ्टमैन सिविल, तो इन्होंने मांगा है उसमें भी ITI उसी डिसिप्लिन में। फिर आपका है इलेक्ट्रीशियन, जिसमें इन्होंने मांगा है ITI। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें इन्होंने मांगा है ITI। उसके बाद में है फिटर, फिटर में भी इन्होंने मांगा है ITI इन फिटर। उसके बाद में है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जिसमें मांगा है इन्होंने ITI इन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट, उसमें इन्होंने मांगा है ITI इन द सेम डिसिप्लिन। उसके बाद में है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, जिसमें इन्होंने मांगा है कि BSc भी चल सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, साथ में ITI इन लैब असिस्टेंट अगर है तो भी चलेगा। उसके बाद में इन्होंने बोला है मशीनिस्ट, मशीनिस्ट में इन्होंने मांगा है ITI। उसके बाद में बोला है मैकेनिक मोटर व्हीकल, जिसमें इन्होंने मांगा है ITI। मैकेनिक डीजल, जिसमें मांगा है ITI। फिर आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलिंग, इसमें इन्होंने मांगा है ITI। उसके बाद में आपका सर्वेयर, जिसमें इन्होंने मांगा है ITI। वेल्डर, उसमें आपका मांगा है ITI। उसके बाद में इन्होंने बोला है सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसमें इन्होंने मांगा है आपके पास इन सब इसमें डिग्री, डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने एग्रीगेट भी बोला है, ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये आपकी होगी 12 मंथ के लिए। इस ट्रेनिंग के लिए आपको जो स्टाइफंड प्रोवाइड दिया जाएगा वो मंथली स्टाइफंड दिया जाएगा, और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन और मेरिट के बेस पर यहाँ पे किया जाएगा। इन्होंने जनरल कंडीशंस दी है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट में, इस अप्रेंटिसशिप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस एरिया के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी ऑल ओवर इंडिया की, तो उसमें सारे रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देख लेनी है, MHRDT के पोर्टल को देख लेना है। आपकी जो मेन वेबसाइट है वो आपकी है यहाँ पे www.ongcapprenticeship.co.in या फिर www.ongcindia.com। ये दोनों मेन आपकी वैकेंसी जिस पे आप जाके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। मैं हमेशा की तरह ये दोनों वैकेंसी और आपकी PDF लिंक वैकेंसी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ। अब देखते हैं दोस्तों मेन चीज, हाउ टू अप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बोला 28 मार्च को 5 बजे के पहले आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको ये वाली साइट पर जाना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। दो प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो यहाँ पे दिए Part 1 and Part 2। पार्ट 1 में आपको आपका गवर्नमेंट पोर्टल जो है उसमें रजिस्टर करना है, पार्ट 2 में जो है आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है, आपकी सारी क्वालिफिकेशन डालना है। उसके बाद में आपको करना है फाइनल सबमिशन। दोस्तों हर बार की तरह ONGC में इस बार भी कोई फीस नहीं है, आप इसके लिए विदाउट कोई फीस अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, 10th पास, SC/ST अगर आपका सर्टिफिकेट है तो, हायर सेकेंडरी मार्कशीट और मेडिकल, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 14th of March से पोर्टल चालू हो गया है, लास्ट डेट है 28th of March। आपका जो सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल तक ही आपको बता देंगे कितने लोग सिलेक्टेड हैं। उसके बाद में 8th of April को डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, जो कि 12 अप्रैल तक चलेगा, और ज्वाइनिंग आपकी 15 अप्रैल से आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के लिए सेंटर्स दिए हुए हैं, तो जितना हो सके आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ में ही अगर आपको कोई और वैकेंसी है जिसकी जानकारी चाहिए, जो आप चाहते हैं मैं बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे इजीली कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अज्यूम करती हूँ कि ये वाले वीडियो को मुझे एटलीस्ट 500 लाइक तो ज़रूर मिलेंगे, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।